हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एमडी स्वामी क्लासरूम। आज के लेक्चर में अपन करेंगे एपीएमसी, इसके साथ साथ इनाम और एक तीसरी स्कीम है अपनी ISAM, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। इनके बारे में अपन इस लेक्चर में डिटेल में अध्ययन करेंगे। देखिए, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट NAM, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि बाजार, और इसको शॉर्ट फॉर्म में नाम के नाम से जाना जाता है NAM, और इसके आगे ई लगा देते हैं। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक से आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि यह इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म कैसे, जैसे आप फ्लिपकार्ट हो गया या फिर अमेजोन हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहां पे अपन शॉपिंग करते हैं, वैसे ही सेम पैटर्न पे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को बेचने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसको ईनाम के नाम से जाना जाता है। इसको अपन डिटेल में अध्ययन करते हैं कि कैसे ये काम करता है, इसमें कैसे गेट एंट्री होती है, कैसे गेट एग्जिट होता है, इन सब के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन देखते हैं कि जो ईनाम है अपना, इसका एक मोटो है, वो क्या है। वो है उत्तम फसल उत्तम इनाम। देखिए, एक हिंदी में वर्ड है इनाम। इनाम का मतलब प्राइज। आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, यहां से इनाम और यहां से इनाम। तो जितनी बढ़िया फसल होगी आपकी, उतनी ही बढ़िया आपको उसकी रेट मिलेगी, उसका आपको पैसा मिलेगा। आपका जो अनाज है उसकी जितनी ज्यादा क्वालिटी उच्च होगी, उतना ही आपको हाई प्राइस मिलेगा। इसमें मेनली जो आपका प्राइस का डिटरमिनेशन होता है वो आपकी क्वालिटी के आधार पर होता है। तो इसमें तीन टॉपिक अपन करने वाले हैं, एपीएमसी, इनाम और ISAM। तो देखिए, डिटेल में देखते हैं इसको। देखिए, इनाम, तो इनाम का अपन ने इसका टैगलाइन पढ़ा था, इसका मोटो पढ़ा था। मोटो क्या था, उत्तम फसल उत्तम इनाम। जितनी बढ़िया फसल उसका उतना ही बढ़िया प्राइस मिलेगा आपको। और इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इनाम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। आप जनरली देखते हैं कि किसान आता है अपने फार्म प्रोड्यूस को ट्रैक्टर या ट्रॉली या फिर ट्रक में डालकर किसी मंडी में ले जाता है। वहां पे जो आढ़ती होते हैं वो लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, और व्यापारी होते हैं वो वहां पे उसकी बोली लगाते हैं। बोली लगाने के बाद में जो भी हाईएस्ट बीडर होता है, हाईएस्ट बोली लगाता है, किसान उसको बेच के आ जाता है। यहाँ पे देखिए, किसान के पास क्या ऑप्शन है। किसान के पास एक ही ऑप्शन है कि उसको अगर सारे बीडर जितने व्यापारी बोली लगाने वाले हैं, अगर वो उसकी कॉस्ट से कम भी पैसे, कॉस्ट से कम भी अगर बोली लगाए जो उसको एक्चुअल में उस फार्म प्रोड्यूस को प्रोड्यूस करने में लगा था इनपुट कॉस्ट, तो उसको उस समय वो बेचना पड़ सकता है। अगर कोई पेरिशेबल कमोडिटी है, जो जल्दी खराब होने वाली कमोडिटी है, तो उस किसान को मजबूरन वहां पे उस कमोडिटी को बेचना पड़ सकता है कम दाम पे, क्योंकि उसके पास ऑप्शन क्या है, उसके पास ऑप्शन है कि उसी मार्केट में वो उस कमोडिटी को बेच के आ जाए। अगर वो उस कमोडिटी को अपने साथ वापस ले आ जाता तो उस कमोडिटी के खराब होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा कि उसको अपने फार्म से उस मंडी में ले जाने के लिए जो कॉस्ट लगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, लोडिंग अनलोडिंग का कॉस्ट है, और उसका टाइम खराब हुआ, ये सब जो कॉस्ट उसको लगती है वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है। तो मजबूरन उसको उसकी मजबूरी होती है कि उस मार्केट में बेच के आ जाए। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक ऐसा रास्ता अपनाया कि अगर कोई किसान किसी मंडी में फार्म प्रोड्यूस को या फिर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को ले जाता है, तो वहां पे उसके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। बहुत सारे ऑप्शन कौन कौन से, देखिए, एक तो जो पहले किसान एक ही मार्केट में उस कमोडिटी को बेच रहा था, एक ही मंडी के लिए उसके पास ऑप्शन था, अब ईनाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट आने से क्या होगा, उसके पास ऑल इंडिया की मंडी अवेलेबल हो गई। अरे देखिए, जैसे आपके पास एक ही खरीदार हो तो वो नखरे कर सकता है, वो आपको कम दाम में भी आपका प्रोडक्ट खरीद सकता है। अगर वहां पे एक की बजाय 1,000 खरीदार हो तो आप अपनी मनचाही प्राइस पे उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। कैसे, क्योंकि वहां पे खरीदार बहुत ज्यादा हैं और बेचने वाले आप हैं, तो वहां पे आप बोली लगाएंगे कि सबसे ज्यादा मेरे को पैसा कौन दे रहा है, मैं उसी को बेचूंगा। सेम प्रोसीजर इस इनाम पोर्टल पे है। इनाम एक मार्केट नहीं है, इनाम एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, वेब बेस्ड जो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिस पर सारी मंडियों को, जितनी इंडिया में मंडीज हैं उनको टारगेट है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जोड़ दिया जाए ताकि किसान को सबसे ज्यादा फायदा हो। तो देखिए, अगर वो
किसान एक ही मार्केट में उस कमोडिटी को बेच रहा था, पर इनाम आने से, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट आने से उसके पास बहुत सारी मंडियां ओपन हो गई, वो कहीं भी या किसी भी प्राइस पर उस कमोडिटी को बेच सकता है। कैसे बेच सकता है मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे इसमें इस पोर्टल पे कोई किसान अपनी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को बेचता है। दूसरा है कि किसान को बहुत सारे खर्चे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, मार्केट में ये टैक्स वो टैक्स, तो इसमें क्या है, इनाम पोर्टल के थ्रू अगर वो मंडी जुड़ी हुई है तो वहाँ पे केवल उसको सिंगल टैक्स देना पड़ेगा, सिंगल लेवी देनी पड़ेगी, उसको एक ही बार टैक्स देना पड़ेगा, भले ही वो इंडिया में 1000 मंडी में घूम रहा हो, उसको एक ही बार टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए उसको एक मंडी में रीजनेबल प्राइस नहीं मिला, वो दूसरी मंडी में जाता है तो वहां पे गेट एंट्री लगती है, वहां पे उसको मंडी में अपना साधन खड़ा करने के लिए उसको किराया देना पड़ेगा। अगर वो मंडी इनाम के थ्रू जुड़ी हुई है तो उसको ऑल इंडिया में एक ही बार उसको वो टैक्स या वो उसका फीस देना पड़ेगा, बार बार उसको पे नहीं करना पड़ेगा, ये भी उसका फायदा है। तीसरा, मान लीजिए किसान ने एक कमोडिटी बेच दी तो उसके पास बेचने के बाद व्यापारी नखरे करते हैं कि उसको पैसा आज नहीं 3 दिन बाद में मिलेगा, 5 दिन बाद में मिलेगा, उसको पैसा चेक से मिलेगा, उसको पैसा कैश मिलेगा, तो 5 दिन बाद में आना। ये सब लफड़े इनाम पोर्टल आने के बाद में खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनाम पोर्टल में आपको डायरेक्ट आपके खाते में पैसे डाल दिए जाएंगे, इंश्योर करते हैं कि 24 आवर्स के अंदर अंदर आपने जो भी एग्रीकल्चरल कमोडिटी बेची है उसका जो प्राइस है वो व्यापारी 24 आवर्स में आपको वो पैसा आपके खाते में डाल देता है, अगर कोई टेक्निकल खराबी नहीं हो तो। तो गवर्नमेंट का यही मकसद होता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसका पैसा उसको चुका दिया जाए, तो टाइमली उसको पेमेंट भी मिल जाता है, ये भी इसका फायदा है। और इसका जो प्रोसीजर है, इसमें कैसे बेचा जाता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको। अब देखिए, थोड़ा सा इनाम के बारे में देख लेते हैं। इनाम पोर्टल अब कब लॉन्च किया गया, तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया था अपना 14 अप्रैल 2016 को ये पोर्टल लॉन्च किया गया था, और पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया था। और शुरुआत में जब इसको लॉन्च किया गया था तो इंडिया के 8 स्टेट्स की 21 मंडीज को इसके साथ लिंक करके पायलट बेसिस पे इसको लॉन्च किया गया था। तो देखिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि इस पोर्टल को, जो इनाम प्लेटफॉर्म है, उसको कब लॉन्च किया गया, तो उसका आंसर जाता है 14 अप्रैल 2016। और जब इसको लॉन्च किया गया था तो कितनी मंडी को और कितने स्टेट्स में इसको लिंक करके लॉन्च किया गया था, तो इसका आंसर जाता है 21 मंडी व 8 स्टेट्स। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। फिर मार्च 2017 तक टारगेट रखा गया था कि 400 मंडीज को, जो इंडिया की 400 मंडी है, उनको इनाम पोर्टल से जोड़ दिया जाएगा, वो टारगेट रखा गया था। पर एक्चुअल में टारगेट कितना अचीव हुआ, 13 स्टेट्स की 421 मंडीज को इनाम पोर्टल से जोड़ दिया गया, तो टारगेट 100% अचीव था। फिर मार्च 2018 तक टारगेट था कि 585 मंडीज को इनाम पोर्टल से जोड़ा जाए, अर्थात 421 के साथ 421 से 585, तो कुल 585 मंडीज को इनाम पोर्टल के साथ जोड़ा जाए, और उसमें टारगेट अचीव कर लिया गया था। मार्च 2018 तक 16 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज की 585 मंडीज को इनाम पोर्टल से जोड़ दिया गया था। फिर 2020 में न्यू फीचर ऐड किए गए, उसमें फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन PNWR एग्री लॉजिस्टिक मॉड्यूल लॉन्च, इसमें ये न्यू फीचर है, उसको लॉन्च किया गया था। और एक इनाम मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, जो iOS पे भी एक्सेस होता है और एंड्रॉइड पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, वो अक्टूबर 2016 में इसको लॉन्च किया गया था मोबाइल एप्लीकेशन, और उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है इनाम मोबाइल ऐप। तो ये इसका थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा है, और इसने 2016 से 2020 तक 4 साल पूरे कर चुका है ये। और एक बात और इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि इसमें 15/5/2020 तक, जो 15 मई 2020 तक 1000 मंडीज को लिंक किया जा चुका है, और 585 से 415 न्यू मंडीज को ऐड करके 1000 मंडीज को 15/5/2020 तक इस इनाम प्लेटफॉर्म के साथ में ऑल इंडिया के मंडीज को, या अर्थात ऑल इंडिया की 1000 मंडीज को इनाम प्लेटफॉर्म से लिंक किया जा चुका है।
ये यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाटाबेस यहाँ से निकलते हैं। तो आगे देखिए, इसमें ये इनाम प्लेटफॉर्म है इसका, आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। इसमें इसमें कमोडिटीज रहती हैं, इसमें सारी जो भी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज बेचने के लिए आती हैं, और उसमें लाइसेंस दिखता है स्टेट का, मोबाइल ऐप का है, प्राइस डिटेल दिखता है कि अगर कोई किसान मार्केट में एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को बेचने आया, उस मंडी में एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को बेचने आया, तो उसकी प्राइस डिटेल दिखेगी कि किस मंडी में कितना प्राइस उस एग्रीकल्चरल कमोडिटी का है, और इंसेंटिव और सक्सेस स्टोरीज इसमें कि क्या सक्सेस स्टोरीज है, किस किसान ने इसका एक अधिकतम फायदा उठाया, वो सक्सेस स्टोरीज इसमें रहती हैं। ये इनाम प्लेटफॉर्म अपना ऑनलाइन वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, आप इसको साइट पे जाके इससे और अधिक डाटा देख सकते हैं। इसके बाद में देखिए, इनाम प्लेटफॉर्म को लॉन्च कब किया गया, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसको लॉन्च किया गया था 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था, और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी पे, जो उनका 125वां जन्म दिवस पे उसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या निकलता है कि इनाम प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट प्लेटफॉर्म है, उसको कब लॉन्च किया गया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जन्म दिवस पर 14 अप्रैल 2016 को इसको लॉन्च किया गया, और किसके द्वारा, तो वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और ये क्या है, मैं बता चुका हूँ वैसे, तो ये कॉमन ई मार्केट पोर्टल, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पोर्टल, अर्थात पान इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल, जो ऑल इंडिया की जितनी भी एपीएमसी मंडीज हैं, अगर कोई स्टेट चाहता है कि इस मंडी को जोड़ना है, तो वो स्टेट उस मंडी को इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल से जोड़ सकता है। तो ये ऑल इंडिया की एपीएमसी मंडीज को इंटरलिंक करने का एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, और इसका एम क्या है, इसका एम है कि नेटवर्किंग द एग्जिस्टिंग मंडीज ऑन ए कॉमन ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म एज वन नेशन वन मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इन इंडिया, अर्थात एक देश और एक मार्केट। अगर पंजाब में बैठा हुआ फार्मर चाहता है कि मैं उस कमोडिटी को राजस्थान में बेचूं, तो वो राजस्थान की मंडीज का भाव पंजाब में बैठा हुआ उस मंडी में देख सकता है, और वहां से उस कमोडिटी को बेच सकता है। तो इसका मतलब वन नेशन वन मार्केट, एक देश एक मार्केट के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो अगर देखें तो इसकी दो टैगलाइन होगी, दो टैगलाइन कौन सी, कि उत्तम फसल उत्तम इनाम, और दूसरा वन नेशन वन मार्केट, ये दो इसका मेन थीम हो गया। फिर दिस पोर्टल प्रोवाइड्स ए सिंगल विंडो सर्विस, सिंगल विंडो सर्विस का मतलब यहीं पे आपको सब कुछ मिलेगा, यहाँ पे आपका जो एग्रीकल्चरल कमोडिटी है उसका सैंपल लिया जाएगा, उसका क्वालिटी चेक किया जाएगा, यहीं पे आपकी बोली लगेगी, यहीं पे आपको बोली जो बिड होगी वो फाइनल होगी, फाइनल होके आपको वहाँ पे उस आपका 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसका प्राइस मिल जाएगा। और इसके अलावा जो आपको बाकी की ट्रांसपोर्टेशन और सपोर्ट सर्विसेज हैं, वो भी आपको इस विंडो से मिल जाएंगी। और जो इनाम पोर्टल है उसका जो सॉफ्टवेयर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता है। और देखिए यहाँ पे जो ये इनाम पोर्टल है, ये इनाम पोर्टल 9 लैंग्वेज में अवेलेबल है। अब आगे देखिए, अब जो इनाम पोर्टल है उस पे एक कस्टमर कॉल सेंटर नंबर दिया गया है, कॉल सेंटर नंबर कौन सा है, तो वो है 1800-270-0224, ये टोल फ्री कॉल सेंटर नंबर है जिस पर किसान अपनी समस्याओं के बारे में कॉल करके पूछ सकता है, उसमें इनाम के बारे में कि कैसे काम करता है, ट्रांसपोर्ट सुविधा है या फिर लॉजिस्टिक्स, जो भी है किसान की जो क्वेरी है इनाम से रिलेटेड, वो इनाम से रिलेटेड क्वेरी इस मोबाइल नंबर पर कॉल करके पूछ सकता है। तो जो राष्ट्रीय कृषि बाजार है उसका टोल फ्री नंबर कौन सा हो गया, 1800-270-0224। आगे देखिए, इसमें इनाम काम कैसे करता है, जो अपना इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो पोर्टल है वो काम कैसे करता है, इसको समझ लीजिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में इनाम है क्या, जो इनाम पोर्टल है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में कोई ऐसा फिजिकल मार्केट नहीं है, जैसे अपनी दिल्ली की आज़ादपुर मंडी है, ऐसे कोई एक सिंगल मार्केट नहीं है, ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, पोर्टल है,
जो क्या करता है, ऑल इंडिया की जो एपीएमसी मंडीज हैं उनको इंटरलिंक करता है, एक मंडी की जानकारी को दूसरी मंडी में वो फ्लो करता है, प्रवाहित करता है, ताकि किसान एक मंडी में बैठ के दूसरे स्टेट में या दूसरी जगह पे उस कमोडिटी को बेच सके। तो इसका प्रोसेस फ्लो अर्थात इसका प्रक्रिया कैसे होता है, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि किसी किसान ने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको उगाया, उगाने के बाद में उसने लोड करके किसी साधन के थ्रू, ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो एपीएमसी मंडी में जाता है। मंडी में गया, मंडी में गया तो उसको क्या होगा, उसको वहां पे इस पोर्टल पे जो मैंने दिखाया था आपको, ये पोर्टल है, इस पे उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कहाँ से, वहां पे जो सिंगल विंडो ऑपरेटर होता है वहां पे गेट पे जो मार्केट कमेटी का मेंबर बैठा रहता है वो वहां पे इसका रजिस्ट्रेशन करवा देता है यहाँ से। उसके बाद में उसका लोट जनरेशन हो जाता है, उसका जो भी माल लाता है उसका लोट बना दिया जाता है। लोट बनाने के बाद में क्या होगा, उस लोट में से सैंपल लिया जाएगा। मान लीजिए वो राइस क्रॉप लाया है, पेडी लाया है, तो वहां पे क्या होगा, उस पेडी का लोट बना के उससे सैंपल लिया जाएगा। सैंपल की लेबोरेटरी होगी, वहां पे उसका एसेसिंग होगा। एसेसिंग होगा तो उसकी क्वालिटी का पता चल जाएगा, अर्थात अपने को क्वालिटी चेक हो गया कि किस क्वालिटी का वो राइस या पेडी क्रॉप है। फिर वो वहां पे जो उस मार्केट कमेटी का मेंबर बैठा हुआ है, जो उस ऑनलाइन पोर्टल को एक्सेस कर रहा है, वो क्या करेगा, उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो भी प्राइस बनता है उस प्राइस को इसमें क्वालिटी, और जिस प्राइस पे किसान बेचना चाह रहा है वो उसको उस क्वालिटी को यहाँ फीड कर देता है। उस सिस्टम में उस प्राइस को और उस क्वालिटी वाले जो अनाज है उसके बारे में जो डिटेल है उसको फीड कर दिया। तो क्या होगा, ऑल इंडिया में जितनी भी मंडीज हैं वहाँ पे इस फार्मर की जो भी प्राइस था, क्वालिटी था, वो सारा डिटेल उसमें एनलिस्ट हो जाएगा कि इस फार्मर का यहाँ पे ये बेचने के लिए माल पड़ा है। मान लीजिए वो पंजाब का फार्मर है, तो वो उसको वहाँ पंजाब में एक एनलिस्ट करवाता है अपनी प्रोडक्ट को या अपनी एग्रीकल्चरल कमोडिटी को। तो ऑल इंडिया में जितने भी स्टेट हैं या जितनी भी जगह पे एपीएमसी मंडी है वो वहां पे उस प्राइस को देख सकता है, उस माल की क्वालिटी को देख सकता है। अब क्या होगा, जो भी व्यापारी है, व्यापारी इसको एक्सेस कर रहा है, व्यापारी के पास भी इसका आईडी पासवर्ड रहता है, तो व्यापारी देखता रहता है उस प्राइस को। अगर व्यापारी चाहता है कि मैं इसके एग्रीकल्चर कमोडिटी को खरीद लूं, तो व्यापारी उसको सिलेक्ट करता है। मान लीजिए एक व्यापारी ने 100 रुपये, मैं हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कि एक व्यापारी ने 100 रुपये उसके लॉट को असाइन किया, दूसरे व्यापारी ने 110, तीसरे ने 120, चौथे ने 140। जितने भी व्यापारी हैं ऑल इंडिया में बैठे हुए, अगर उसकी प्रोडक्ट को खरीदते हैं और असाइन कर दिए कि 120 में खरीदना है मेरे को, 140 में मेरे को, 150 में, तो फार्मर क्या करेगा, जो हाईएस्ट बिडर होगा, जो हाईएस्ट बोली लगाने वाला होगा, जो हाईएस्ट प्राइस को असाइन करता है उसको वो बेच सकता है। अब यहाँ पे फार्मर को स्वतंत्रता है, उसको फ्रीडम है कि उसको इस प्राइस पे बेचना है कि उसको विड्रॉ करना है। फार्मर्स की मर्जी कि उस प्राइस पे इसको बेचे कि नहीं बेचे। अगर मान लीजिए फार्मर्स राजी हैं कि मेरे को 150 रुपये पे बेचना है, तो वो क्या करेगा, वो फिर जो उसका लोड जनरेट किया गया था, लोड जनरेशन को इलेक्ट्रॉनिक वे, जो इलेक्ट्रॉनिक तुला होती है उस पर तुलवा देता है सब कुछ, पूरा सामान। तुलवाने के बाद में क्या होता है, वो व्यापारी जो रजिस्ट्रेशन के टाइम खाता नंबर दिया हुआ है उस खाते में वो पैसे ट्रांसफर कर देता है 24 घंटे के अंदर अंदर, और फार्मर वापिस घर आ जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो ये इनाम प्रोसेस है ये क्वालिटी बेस्ड ट्रेडिंग है। आपकी जैसी क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको उसका प्राइस मिल गया। और फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि आपको ऑल इंडिया के व्यापारी, आपका कस्टमर बेस बढ़ गया, खरीदने वाले आपके बंदे ज़्यादा हो गए, आपके खरीदने वाले व्यापारी बहुत ज़्यादा हो गए, तो आपको संभावना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस मिले, और जैसी आपकी क्वालिटी है वैसा आपको प्राइस मिल जाएगा, और आपको पेमेंट है वो पेमेंट आपको 24 घंटे के भीतर भीतर मिल जाएगा, आपको पेमेंट में देरी नहीं होगी। और अगर आपको मान लीजिए आपने 2 लाख का सामान बेचा, 2 लाख का सामान बेच के आप उसको कैश में लेके आ रहे हैं, तो आपको कैश को खोने का या कैश के गिरने का या फिर और भी बहुत सारे रिस्क होते हैं, वो भी आपके रिस्क खत्म हो गए, क्योंकि आपके डायरेक्ट खाते में पैसे आ गए, आप बैंक में जाके इसको निकाल सकते हैं। ये आपका इनाम का प्रोसेस होता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पे बेचने का जो प्रोसेस होता है ये होता है। तो देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये एक प्रकार का मार्केट है, मार्केट नहीं है, ये एक प्रकार का एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है वेब बेस्ड, जिस पर
व्यापारी अपनी एग्रीकल्चरल कमोडिटी का रजिस्ट्रेशन करता है, अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करता है और एग्रीकल्चरल कमोडिटी जो बेचता है उसका, उसकी ग्रेडिंग, उसकी क्वालिटी, उसको सब कुछ देके उसका प्राइस उस पर फीड करता है। और अगर हाईएस्ट बीडर वो आपको खरीदता है तो आप उसको बेच सकते हैं, तो आप वापस ले सकते हैं, उसको दूसरी बोली लगवा सकते हैं। तो ये सब इसका इनाम का प्रोसेस होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा।